दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो, पलवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। कभी दोस्तों कॉइन का रेट है, कभी कुछ है, तो ये सारी घटनाएं दोस्तों पलवन के अंदर घटती रहती हैं। इससे आप थोड़ा नेगेटिव ना हो। और बात करता हूँ दोस्तों, पलवन ने कुछ ना कुछ पलवन के अंदर, मेरा मानना है कि दोस्तों पलवन के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर मिस्टेक है, ताकि कुछ बंदे जो पलवन के अंदर काफ़ी समय से पलवन का साथ अब तक नहीं छोड़ा है जिन बंदों ने, तो पलवन को उन बंदों को खुशी देना चाहिए, ना कि उनको निराश करना चाहिए। तो उसमें कुछ बंदों के लिए खुशी है, कुछ के लिए निराशी थी दोस्तों। और कोरल वालों का ऑटोपुल माइनस हुआ था, बहुत से लोगों का, उनका भी ऑटोपुल नहीं आया। जिनका ऑटोपुल रुका हुआ है उनका ऑटोपुल भी दोस्तों नहीं आया। क्या अपडेट है सारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, खास एक बात, PBC मेटा टोकन का प्राइस अब 6 BUSD के बराबर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है ये सभी पलवन मेम्बर के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने BUSD से कॉइन बाय कर लिया था उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कम प्राइस में ख़रीदा था, लेकिन अब उनका प्राइस 6 गुना बढ़ चुका है। तो दोस्तों, ये सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ऑल कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। और दोस्तों, जिस भाई को DP बाय करना हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर आकर संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आ गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पलवन की ऑटोपुल की। जिन लोगों का कोरल का ऑटोपुल माइनस है और बहुत से लोगों का ऑटोपुल रुका हुआ है, वो ऑटोपुल क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह दोस्तों? तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, पलवन ने कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर चल रही है, जिसके कारण पलवन ऐसा कर रहा है। और हो सकता है पलवन जानबूझ कर ऐसा कर रहा हो दोस्तों। पलवन की बात तो पलवन जाने क्या उसके मन में है, क्या करना चाहता है। बाकी रही बात ऑटोपुल की, दोस्तों ऑटोपुल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पलवन हर 3 महीने में झटके दे रहा है ऑटोपुल की, लेकिन थोड़े थोड़े झटके दे रहा है। हर किसी को ऑटोपुल नहीं क्रिएट हो पा रहा है, पता नहीं क्या है, क्या चारा सिस्टम। हर किसी को ऑटोपुल उसको क्रिएट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पलवन के अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी है, ऑटोपुल इतना कम क्यों मिल रहा है? पलवन के अंदर इतना पैसा गया है लोगों का, लेकिन पलवन ने इतना पैसा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, क्यों? तो दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि पेंडिंग में हैं, सिस्टम की तरफ से नहीं मिल पा रहे हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों PBC मेटा की। तो जिन भाइयों ने PBC मेटा को BUSD से वाई किया था, 1 BUSD से भी कम रेट था उसका, तो अब दोस्तों 6 BUSD के बराबर रेट हो चुका है, तो 6 गुना रेट अब उसका बढ़ चुका है PBC मेटा टोकन का दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण जितनी जल्दी हो सकता है पलवन सिस्टम लॉन्च कर दे, क्योंकि BUSD से बाय करने से बहुत से लोग चूक गए थे, लेकिन अब जिनके पास DP पड़े हैं वो BUSD से, जिनके पास DP पड़े हैं वो कॉइन बाय करने चाहते हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द पलवन दूसरा चरण ला दे और DP से कॉइन बाय करने का ऑप्शन जल्द से जल्द पलवन दे दे, ताकि ज़्यादा रेट ना हाई फाई हो, उससे पहले हम सबको कॉइन मिल जाए। DP वाले धारकों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास DP पड़े हैं कॉइन बाय करने के लिए, जल्द से जल्द दूसरा चरण चालू हो जाए और उनको भी PBC मेटा टोकन बाय करने का ऑफ़र मिल जाए। और दोस्तों, जस्ट इसके बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ऑटोपुल दोस्तों जैसा आ रहा है वैसे ही ऑटोपुल आता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑटोपुल लगभग DP में 70-80% DP में ऑटोपुल आएगा, जिससे कि हम सब DP को कन्वर्ट कर सकेंगे PBC मेटा टोकन के अंदर। तो ऑटोपुल दोस्तों आता रहेगा, जैसा आ रहा है वैसा आता रहेगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें। नेगेटिव बातें बहुत से लोग करेंगे, करते आएँ, उसके काम में हम नेगेटिव बात करना, नेगेटिविटी फैलाना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिस्टम अब बहुत आगे की सोच रहा है। मान लो आपको 5 भी कॉइन आपको मिल गए फ्री में, तो आपको 5 साल में वो 5 ही कॉइन आपको लखपति बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दी जानकारी में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।